मॉर्निंग क्लास फोर, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3, वॉज इट अ ड्रीम? ओके, वार्म अप. हैव यू एवर गॉन फिशिंग और सीन पीपल कैच फिश? टॉक टू योर पार्टनर अबाउट योर एक्सपीरियंस. क्या आप कभी फिशिंग करने गए हैं, और अगर करने गए हैं तो क्या आपने उनको देखा है फिशिंग करते हुए, या फिर आपने कभी खुद से फिशिंग किया है? फिशिंग कैन बी वेरी रिलैक्सिंग एक्टिविटी. हेयर आर पिक्चर्स ऑफ समथिंग यू माइट नीड फॉर फिशिंग. अगर आप फिशिंग करने जा रहे हैं तो यू नीड सम एक्सेसरीज. ओके, हेयर दीज आर फिशिंग रॉड, यू रिक्वायर बेट, यू रिक्वायर्ड हुक एंड यू रिक्वायर बॉबर. ओके, हुक चाहिए, बेट चाहिए. बेट मतलब जिसमें आप अपना शिकार को फंसा सको. फिशिंग रॉड, जो फिशिंग रॉड के नीचे जो यहाँ पे स्टक होगा वो होगा बेट. ओके, नाउ रीता गैदर्ड फ्लावर्स इन द वुड्स व्हाइल हर ब्रदर फ्रैंक सैट बाय द स्टेम विद हिज फिशिंग रॉड. रीता फूल इकट्ठा कर रही है वुड से, और उसका भाई फ्रैंक जो है वो कहाँ स्ट्रीम के पास पे बैठा हुआ है फिशिंग रॉड लिए हुए. होल्डिंग हर ब्रंच ऑफ फ्लावर्स शी वॉक टू द प्लेस वेयर फ्रैंक वॉज सिटिंग. अपना फ्लावर्स का बंच लेकर वो वहाँ पहुँची जहाँ उसका भाई फिशिंग रॉड लिए हुए बैठा हुआ है. डू स्टॉप फिशिंग फॉर अ व्हाइल एंड प्ले विद मी फ्रैंक, उसकी बहन ने बोला. फिशिंग बंद करो फ्रैंक और मेरे साथ खेलो. आरंट यू टायर्ड ऑफ सिटिंग स्टिल, क्या तुम बैठे बैठे थक नहीं गए? रीता आस्क्ड, रीता ने पूछा. लीनिंग अगेंस्ट द ट्री बिसाइड्स हिम, वो उसने पेड़ के तने से टिककर अपने भाई से पूछा कि क्या तुम बैठे बैठे थक नहीं गए. लीनिंग मतलब पेड़ से टिकना, किसी चीज़ से टिक टिक के खड़े होना, उसको लीनिंग बोलते हैं. वुड्स एंड एरिया ऑफ ट्री स्मॉल देन अ फॉरेस्ट. आई वॉन्ट टू कैच सम फिश एंड टू डू दैट आई मस्ट सिट स्टिल, आंसर्ड हर ब्रदर. उसके भाई ने बोला, रीता मुझे तो बैठना ही पड़ेगा अगर मुझको फिशेस को कैच करना है तो. लुक हेयर इन दिस पिक्चर, फ्रैंक ही इज फ्रैंक, ही शी इज रीता. रीता किससे टिकी हुई खड़ी है, पेड़ के तने हुए से टिकी हुई खड़ी है. लीन है, लीनिंग मतलब लीन मतलब पेड़ से टिकना, या किसी चीज़ दीवार से टिकना, टेबल से टिकना, तो उसको बोलते हैं लीन. और फ्रैंक यहाँ बैठा हुआ है स्ट्रीम के पास कैच फिश को कैच करने के लिए. रीता न्यू शी मस्ट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, रीता को लगा मुझे काफ़ी लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा. सो शी ले डाउन नियर द स्ट्रीम, वो स्ट्रीम के पास लेट गई. ले डाउन मतलब लेट गई. एंड वॉच्ड द स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, और बहते हुए पानी को देखती रही. आफ्टर सम टाइम शी बिगेन टू फील ड्राउजी, उसके लेटे लेटे वो थोड़ी सी आलसी हो गई, उसको नींद सी आने लगी. आफ्टर अ लिटिल वाइल द वाटर बिकेम सो क्लियर, थोड़ी देर के बाद पानी एकदम क्लियर और क्लीन लिखने लगा. एंड दैट शी कुड सी राइट थ्रू इट, कि वो पानी के ट्रांसपेरेंट देख सकती है. सून इट बिकेम एज क्लियर एज ग्लास, उसके बाद वो इतना ट्रांसपेरेंट हो गया कि एकदम ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट लगने लगा, कि वो पानी की इस साइड और उस साइड क्लीनली देख सकती है. रीता कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम, रीता कुड सी द बॉटम ऑफ द स्ट्रीम एंड द स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट क्विकली, और स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट क्विकली मतलब स्कूल ऑफ फिश मतलब कि जब बहुत सारा ग्रुप ऑफ फिश होता है उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश. वो एक उसने देखा कि बहुत सारा ग्रुप ऑफ फिशेज एक साथ स्विम करके जल्दी जल्दी स्विम करके जा रहा है. देन शी हर्ड लिटिल वॉइसेज कमिंग अप फ्रॉम द वॉटर, उसके बाद उसने देखा पानी से कुछ आवाज़ें आ रही हैं. रीता सॉ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फिश स्पीकिंग वेरी ईगरली टू वन अनदर, उसने देखा कि जो ग्रुप ऑफ फिश जा रहा है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं. शी सॉ दैट दे वर लुकिंग एट द बेट दैट वॉज हैंगिंग फ्रॉम फ्रैंक्स लाइन, वो किसको देख रही थी, फिशेज जो हैं वो किसको देख रही थी, वो यहाँ पे जो लटका हुआ जो एक शिकार था फ्रैंक की फिश रॉड से लटका हुआ, जो यहाँ पे बेट था जो उसने शिकार करने के लिए फिशेस का लगाया हुआ था, सारी फिशेस जो डिस्कशन कर रही थी वो उसको देखकर डिस्कशन कर रही थी. ओके क्लास, माय सन सेट द लार्जेस्ट फिश टू वन ऑफ द स्मॉलर वंस दैट इज़ अ ट्रैप, जो मदर थी जो फिश के ग्रुप में मदर है उसने बोला
कि ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है, ये रियल का टॉय नहीं है। आई हैव सीन मैनी पुअर फिश ट्राई टू सॉलो दैट वर्म। उसने बोला कि मैंने देखा बहुत सारी फिशेज ऑलरेडी उसको देखकर एक्साइटेड होती हैं और उसको जब सॉलो करने जाती हैं तो वो फंस जाती हैं, बट इनसाइड द वर्म देर इज़ अ हुक। अ वर्म के अंदर एक हुक होता है दैट विल कैच यू, जो तुम्हें पकड़ लेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू एस्केप, और तुम भाग नहीं पाओगी। देन द बॉय एट द टॉप विल पुल यू अप एंड टेक यू अवे। और उसने बताया कि जब तुम वो क्या कहते जो फिश है, जो वर्म है, उसको अगर तुम खाने गई तो तुम उसके हुक में फंस जाओगी, और जो ऊपर बैठा एक लड़का है जो हमें देख रहा है वो तुम्हें ऊपर खींच लेगा, और उसके बाद तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगी। बट मदर, क्राइड द लिटिल फिश, I want to have just one bite. I am sure that it will not harm me. बच्चे ज़िद करने लगे मदर फिश से और बोलने लगे कि मम्मा मुझे एक बाइट लेने दो, मुझे पक्का विश्वास है कि एक बाइट मुझे हार्म नहीं करेगा। रीता वॉन्टेड टू कॉल आउट एंड टेल हिम दैट हिज मदर वॉज राइट, बट शी वॉज नॉट श्योर इफ दे वुड बी एबल टू हियर हर। रीता चाहती थी कि वो उन्हें आवाज़ दे और बताए कि हाँ, जो तुम्हारी मदर बोल रही हैं, जो फिश मदर आपकी बोल रही हैं, वो एकदम सही बोल रही हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो फिशेज हैं वो उसकी आवाज़ को सुन पाएंगे कि नहीं। For a few minutes, there was a silence in the water. और कुछ time के लिए, कुछ minutes के लिए पानी में एकदम शांति हो गई। Then suddenly the little fish moved forward and tried to swallow the worm. उसके बाद एकदम अचानक से छोटी fish आगे बढ़ी और वो उस कीड़े को खाने जा रही थी। उसने कोशिश करी उस कीड़े को खाने की। द नेक्स्ट मोमेंट शी वॉज कॉट। जैसे ही उसने कोशिश करी वो खाने की, वैसे ही वो उस पर कॉट हो गई, वो हुक उस हुक में पकड़ गई। His mother swam towards him immediately. और उसकी फिश मदर जैसे ही उसने ये देखा वो आगे बढ़ी एकदम तुरंत उसको बचाने के लिए। Come and help, she called in a worried voice. फिर वो little fish ने घबराते हुए आवाज़ दी अपनी माँ को, Mama come and help me. All the other fish surrounded the line. और सारी जो और सारी fishes थी वो भी line में आ गई, और सम कॉट होल्ड ऑफ लिटिल फिश टेल एंड हेल्ड ऑन। रीता गॉट वेरी एक्साइटेड एंड जम्प्ड अप फ्रॉम द बैंक। उसकी मदर ने उसको बचा लिया और जो भी लिटिल फिश थी वो एक लाइन में आके उसके पीछे खड़ी हो गई। रीता ये देख के बहुत एक्साइटेड हो गई और वहीं जहाँ खड़ी थी वहाँ पे वो जंप करने लगी। बैंक में मतलब रिवर का जो किनारा होता है उसको हम बोलते हैं बैंक। रीता, आई हैव गॉट अ स्प्लेंडेड कैच। रीत उसका भाई फ्रैंक बहुत खुश हुआ कि देखो रीता, देखो मुझे एक बहुत अच्छा कैच मिला। द लाइन इज सो हैवी आई कांट हर्डल हार्डली पुल इट इन, एक्सक्लेम्ड फ्रैंक लाउडली। फ्रैंक ने बोला, देखो रीता, मुझे लग रहा है मुझे बहुत हैवी कैच आया है, बहुत भारी फिश मेरे हाथ लगी है जी, उसको मैं ढंग से खींच भी नहीं पा रहा हूँ। रीता सडनली रिमेंबर्ड वेयर शी वॉज एंड रियलाइज दैट शी मस्ट हैव फॉलन अस्लीप। She walked slowly towards Frank, thinking about her strange dream. अरे ये क्या, रीता जहाँ पे लेटी थी फ्लोर पे, जहाँ उसकी जब उसको नींद सा फील हो रहा था तो उसकी आँख लग गई थी और ये सब उसने सपने में देखा। उसके बाद जब रीता उठी और अपनी भाई के पास गई, जब भाई के पास जा रही थी तो उसको लगा, अरे ये तो मैंने एक सपना देखा। She had only stood by him a minute when splash. और वो अपने भाई के पास आके एक मिनट तक खड़ी ही हुई थी और उसको एक आवाज़ आई, स्प्लैश, द फिशिंग रॉड फ्लू आउट ऑफ हिज हैंड। और उसने देखा कि उसके भाई के हाथ से फिशिंग रॉड छूट गई, और एंड द लिटिल फिश जम्प्ड इनटू द वाटर एंड फ्रैंक फेल ऑन द ग्रास विद अ बिग थंब। उसने देखा कि अरे कि ये तो मेरा भाई के हाथ से उसकी फिशिंग रॉड छूट गई और जो लिटिल फिश उसके कैच में आई थी उसने वो भी उसके कैच से छूट गई, और उसकी वजह से उसका भाई वहाँ बैंक के पास गिर गया, फॉल हो गया, गिर गया। और रीता ये देख के खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। इट वॉज सो फनी दैट रीता स्टार्टेड लाफिंग हार्टली। यू आर लाफिंग, फ्रैंक ने बोला, तुम हंस रही हो। फ्रैंक सेड व्हेन ही गॉट अप अगेन, फ्रैंक दोबारा खड़ा हुआ और उसने बोला, रीता तुम हंस रही हो, बट दैट वॉज द बेस्ट फिश आई हैव एवर कॉट। वो जो मेरे हाँ जो फिश मेरे हाथ आई थी वो बहुत अच्छी फिश थी, मैंने इतनी अच्छी और हैवी फिश कभी भी पकड़ी नहीं। द स्प्लेंडेड फिश मस्ट हैव गॉट ऑफ द हुक,
और वो इतनी अच्छी मछली मेरे हाथ से निकल गई, शायद वो हुक में ढंग से फंसी नहीं और वो निकल गई। रीता बिगैन टू थिंक क्वाइटली, और रीता खड़े होकर सोचने लगी, कुड हर ड्रीम हैव बीन ट्रू, क्या उसकी ड्रीम जो उसने सपने में देखा था क्या वो सच हो गई। इट रियली डिड सीम स्ट्रेंज, ये थोड़ा अजीब है। एंड ऑल दो शी फेल सॉरी फॉर फ्रैंक, और उसने फ्रैंक को सॉरी बोला। शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग वेरी प्लीज दैट द पुअर लिटिल फिश हैड गॉट अवे, और उसको लगा अरे फ्रैंक इतनी मेहनत कर रहा था बट उसके हाथ से वो फिश छूट गई। सो वी हैव एंडेड हेयर क्लास, लुक हेयर, स्प्लेंडेड कैच, स्प्लेंडेड कैच, कॉट अ वेरी गुड फिश। स्प्लेंडेड कैच मतलब बहुत अच्छा शिकार हाथ आना। थम टू फॉल ऑन द ग्राउंड, जब हम कोई ज़मीन पे गिरते हैं धड़ाम से तो उसको बोलते हैं थम। हार्टली मतलब जॉयफुल। ओके क्लास, डू रीड दिस चैप्टर अगेन, डू राइट दीज वर्ड, दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक। ओके, ऑल थ्री पेजेस वर्ड मीनिंग यू हैव टू राइट, पेज 22, 23 and 24 यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक। थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।